पाकिस्तान ने जिन ईरानी संगठनों के ठिकानों पर हमले किए उनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF शामिल है। BLA ने एक बयान जारी कर कहा कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तानी हमले में हमारे कई लोग मारे गए, इसके लिए पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समूह ने चेतावनी दी कि अब बलूच लिबरेशन आर्मी चुप नहीं बैठेगी, हम इसका बदला लेंगे और हम पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, आइए समझते हैं। बलूचिस्तान का मतलब होता है बलूचों की भूमि। ये एक देश नहीं बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान का एक प्रांत है। क्षेत्रफल के मामले में ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। क्वेटा इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और एक आजाद देश बना, तब ये इलाका भी पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। बलूचिस्तानियों का आरोप है कि ये लोग एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे, लेकिन जबरन उन्हें पाकिस्तान में मिला दिया गया, जिसके बाद ही वहां के लोगों के साथ पाकिस्तान सरकार के साथ जंग जारी रहती है, जो अब भी संघर्ष बरकरार है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें सबसे पुराना और असरदार संगठनों में से एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना जाता है ये संगठन पहली बार 1970 के दशक में शुरुआत में वजूद में आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलूचों ने सशस्त्र बगावत शुरू की, लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की सत्ता पर काबिज होने के बाद बलूच कौम परास्त लीडरों से बातचीत हुई और नतीजा ये निकला कि सशस्त्र बगावत को खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। फिर साल 2000 में ये वापस सक्रिय हुई। संगठन ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमले का सिलसिला शुरू कर दिया। संगठन में ज्यादातर मैरी और बुक्ती जनजाति के समुदाय शामिल हैं। ये क्षेत्र स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठन की सूची में शामिल किया था। ये समूह बलूचिस्तान को विदेश प्रभाव और विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान सरकार से निजात दिलाना चाहता है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है।